हेलो एवरीवन माय नेम इज पूर्णिमा शर्मा आई एम बी फाइनल ईयर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एम एंड फॉर हु आर न्यू हियर वेरी वॉम वेलकम ऑन माय चैनल फिजियो एम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में ठीक है आप लोगों को क्या करना है पहले गूगल खोलना है गूगल पर डालना है डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ़ फिजियोथेरेपी ओके फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा फिर थोड़ा और नीचे स्क्रोल करोगे सो जो फर्स्ट वेबसाइट होगी आपको उस पर क्लिक करना है ठीक है सो so, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेज खुल जाएगा यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पेज पे ही आपको ये दिखाई दे जाएगा जैसे ही पोर्टल खुलेगा वहाँ पे ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट 2022 तो थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है बीपीटी और एमपीटी सो बी पी और एमपीटी में जो यहाँ पे एडमिशन हो रहा है वो टेस्ट के थ्रू हो रहा है ठीक है कैसे हो रहा है टेस्ट से हो रहा है डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं है ना नीट के बेसिस पे है इस बार इन्होंने अपना खुद का टेस्ट ले रहे हैं ये लोग ठीक है बीपीटी और एमपीटी के लिए टेस्ट हो रहा है सो so, चलिए हम लोग आगे और देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीज़र है ओके सो so, नीचे आप यूनिवर्सिटी पर गो थ्रू कर सकते हो इसकी वेबसाइट पर जाके और मैं नीचे यहाँ पे आप लोग को दिखा देती हूँ कि जो आपका कॉलेज है रिकगनाइज बाई इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ फिजियोथेरेपिस्ट ठीक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है एंड द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी ओके सो ये यहाँ पे आपका जो बीपीटी एमपीटी दोनों के दोनों आपके एआईपी से एफिलियेटेड है ठीक है सॉरी एआईपी से आपके रिकोगनाइज है तो so चलिए हम लोग बीपीटी को और डिटेल में देखते हैं तो हमें बीपीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है पहले जब आप बी पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने पेज खुल के आएगा यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन ठीक है आपको ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा आपको वो फॉर्म फिल करना है ठीक है फिर यहाँ लिखा हुआ है इंफॉमेशन ब्राउजर और नीचे देखोगे तो कैलेंडर इवेंट्स ठीक है और भी बहुत सारे हैं कोर्स ड्यूरेशन बता रखा है इनटेक कैपेसिटी कितनी है आपकी हंड्रेड ठीक है कितने स्टूडेंट लेंगे ये लोग हंड्रेड लेंगे सो so यस, yes, ये नीचे पूरी की पूरी आपको डिटेल दे रखी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवनटीन ईयर मिनिमम एज जो है वो आपकी सेवनटीन ईयर होनी चाहिए आप थर्टी फर्स्ट दिसंबर से पहले सेवनटीन ईयर्स के हो जाने चाहिए ठीक है और टेस्ट का जो नाम है वो है आपका ए आई ए एच सी ई टी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑल इंडिया अलाइड हेल्थ एंड साइंस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ओके और ये नीचे आपका सब्जेक्ट से रखा है यहाँ बात कर लेते हैं फीस की ठीक है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कितनी होगी सो so येस yes, यहाँ पे जो पर ईयर की फीस है वो आपकी टू लैख थर्टी थाउजेंड है कितनी है टू लैख थर्टी थाउजेंड बहुत ज़्यादा है आई नो बट यही यहाँ पे लोग की फ़ीस है ठीक है पर ईयर का है और फिर चार साल आपको बी करना होता है तो आप लोग उस हिसाब से लगा सकते हो कितनी फीस जाएगी आपकी सो so, नीचे और ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दे रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी सो एस बोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल नेटिविटी ठीक है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपको टेंथ स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए आपका ट्वेल्थ क्लास का आपको मार्कशीट चाहिए साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो भी मतलब इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होते हैं वही हर यूनिवर्सिटी मांगती है और वही चाहिए नेक्स्ट आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट है अगर ट्वेल्थ के बाद में आप लोगों ने कोई गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा और उसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और फोर कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ठीक है आप लोग का पुराना फोटो नहीं चलेगा रिसेंट इन लोगों ने फोटो मांगा है वो होना चाहिए और कैंडिडेट नेम रिटन ऑन बैक साइड ठीक है पीछे की तरफ आपको अपना कैंडिडेट नेम भी लिखना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली आप लोग ये पढ़ सकते हो ठीक है सो so, ये तो कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस थे अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा होगा ठीक है सो हम लोग ब्राउचर डाउनलोड करते हैं अब ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एडमिशन ब्राउचर फॉर 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री एडमिशन ओके डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ़ फिजियोथेरेपी पिंपरी पुणे सो फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट हेयर अगर आप लोग कोई दिक्कत आ रही है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी बात करके क्लियर कर सकते हो अपनी एडमिशन डिटेल ओके और डॉक्टर डी वाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है ठीक है इसीलिए इसके फीस भी ज़्यादा है और यहाँ पर क्लियरली लिखा है ऑल इंडिया अलाइड हेल्थ ऑनलाइन प्रॉक्ट बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट ठीक है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो so यस yes, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे हम लोग को सिर्फ पैटर्न जानना है बिकॉज और सारी इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं लाइक सीट इंटेक कितना है सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है सो so यस yes, नीचे से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे कुछ आप इवेंट्स देख सकते हैं ये उन इवेंट्स के बारे में बताया गया है कॉन्वकेशन एंड ऑल सो यस नीचे स्क्रोल करते हैं यहाँ पे आपको ये टीचिंग स्टाफ का पूरा डिटेल दे रखा है कि कितने ईयर हैं उन लोगों को टीचिंग एक्सपीरियंस है प्रिंसिपल कौन है प्रोफेसर कौन है एसोसिएट प्रोफ़ेसर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी ठीक है फिर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे लिखा है आपका एडमिट कार्ड का डिटेल आपका एडमिट कार्ड कब इशू होगा तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो टू वीक बिफोर द डे ऑफ एंट्रेंस टेस्ट ओके सो दो हफ्ते पहले आपका रिलीज़ होगा ठीक है एडमिट कार्ड नेक्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ़ टेस्ट क्या होने वाला है आपका ठीक है सो आपके हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे कितने आएंगे हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा और हंड्रेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं ट्वेंटी फाइव ईच सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बॉटनी जोलॉजी हो गया तो उसमें पच्चीस पच्चीस आएंगे ठीक है हंड्रेड मार्क्स का पेपर है हंड्रेड क्वेश्चन आने अगर टेस्ट की बात कर ली जाए टेस्ट ड्यूरेशन कितना होगा आपका डेढ़ घंटे का पेपर होगा ठीक है so, सो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे रखी है और अगर आपको सिलेबस जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर दे रखा है ठीक है आप लोग नीचे जाके और जब नीचे स्क्रोल करोगे तो आपको पता चल जाएगा सो यस यहाँ पे फिज़िक्स के पूरे चैप्टर्स बता रखे हैं कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं सेम यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आपको बता रखा है कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपका यहाँ पे आप देख सकते हो बायोलॉजी का भी आपको पूरा सिलेबस दे रखा है ठीक है कौन कौन से चैप्टर आने हैं क्या क्या टॉपिक है क्या क्या आपको पढ़ना है सी यस बी पी टी हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं एम पी टी का ठीक है सो वापस आते हैं बैक करेंगे और यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे एम पी टी का ठीक है एम पी टी के लिए भी यहाँ पे आपको टेस्ट देना होगा सो यस एम पी टी पर क्लिक करते हैं ठीक है अप्लाई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ब्राउजर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपना फॉर्म यहाँ से आप फिल कर सकते हो अप्लाई ऑनलाइन से ठीक है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आपका जो इंटर्नशिप है वो थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजेंडेंड ट्वेंटी टू तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ठीक है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट यहाँ पर इंटर्नशिप का क्लियरली टाइम दे रखा है आप लोग पढ़ सकते हैं और नेक्स्ट लिखा है अ कैंडिडेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ठीक है कैंडिडेट अगर इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ फ़िजियोथेरेपिस्ट का मेंबर है तभी वो इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज नहीं ठीक है अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी एम में कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है सो येसकुलर स्केलेटन साइंसेज न्यूरो साइंसेज मस्कुलर स्केलेटन साइंसेज एंड स्पोर्ट्स जर्नल एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कार्डियोपलमुनरी साइंसिस पीडियाट्रिक्स मस्कुलर स्केलेटन एंड हैंड कंडीशन मस्कुलर स्केलेटन एंड मैनुअल थेरेपी ओके सो इतनी ब्रांचेस में आपकी एम अवेलेबल है सो so, येस yes, यहाँ पे चार्जेस भी दे रखे हैं आपको थ्री लैख ठीक है थ्री लैख पर ईयर आपका चार्ज होगा ठीक है जो आपका फीस लगेगा वो लगेगा थ्री लैख पर ईयर का ऊपर के थ्री कोर्सेज है मस्कुलर स्केलेटन साइंस में न्यूरो साइसिस में मस्कुलर स्केलेट साइंसेज एंड स्पोर्ट्स में ठीक है बाकी ये जो आपके नीचे के हैं उनमें आपका है टू लाख नाइन्टी था हम लोग देख लेते हैं ये तो हमारी फीस थी इसके अलावा भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फीस अलग से पे करनी होगी ठीक है यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म फीस और एंट्रेंस टेस्ट जो आपकी फीस होगी वो आपकी रिफंडेबल नहीं है वो हर जगह सेम प्रोसेस होता है ठीक है यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपना टेस्ट दोगे ठीक है so, सो जैसे आप पढ़ सकते हो एडमिट कार्ड एंड कीप विथ यू बिफोर स्टार्टिंग द ऑनलाइन टेस्ट आपका जो यहाँ टेस्ट होगा क्लियरली लिखा है ऑनलाइन टेस्ट होगा ठीक can okay? so, yes, है प्रॉक्टर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट द कैंडिडेट कैन स्टार्ट द एग्जाम आफ्टर ड्यू वेरीफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑनलाइन प्रॉक्टर ओके सो येस और ये है कंप्लीट द ऑनलाइन टेस्ट इज स्टिपुलेटेड टाइम आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन फॉर द एंट्रेंस टेस्ट सो so, बाकी की डिटेल्स के लिए आप लोग इस पर जाके देख सकते हो ठीक है ये आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी और डिटेल्स आपको मिल जाएगी सो so, बेसिकली आप लोगों को ये जानना था कि एंट्रेंस टेस्ट होता है कि नहीं सो so, यस yes, एंट्रेंस टेस्ट होता है कितने क्वेश्चन आते हैं क्या पैटर्न है एलिजिबिलिटी क्या है वो मैंने सारा आपको बता दिया है सीट इंटेक यहाँ पर दे रखा है थर्टी ठीक है सो यस अब एक बार हम लोग इसका ब्राउजर डाउनलोड करके क्लियरली सीट इंटेक देख लेते हैं ठीक है यस अब हम लोग डिटेल डाउ में देखते हैं आपका जो टेस्ट है वो जुलाई में ही होने वाला है ठीक है सो so, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट फिजियोथेरेपी ऑनलाइन प्लॉक्टर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट ओके सो ये वाला आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है एम के लिए ठीक है और पहला वाला जो था वो आपका यू के लिए था बैचलर्स के लिए था ठीक है so, सो यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो so, यहाँ पे आप लोग सारे इवेंट्स देख सकते हो जो भी कॉलेज में होते हैं क्लियरली यहाँ पे मिल जाएगा आपको कॉन्वेकेशन एंड ऑल सब कुछ तो so यस yes, यहाँ पे देख सकते हो आप इन लोगों के कौन कौन से कॉलेजेस हैं कहाँ कहाँ पे हैं ठीक है ठीके? कौन से इंस्टीट्यूट है जैसे कि मेडिकल का है मेडिकल कॉलेज है डेंटल कॉलेज है बायोटेक्नोलॉजी के लिए है ठीक है आयुर्वेद के लिए अलग है आपका होम्योपैथिक के लिए अलग है फिजियोथेरेपी के लिए अलग है ठीक है नर्सिंग के लिए अलग है ऑप्टोमेट्री के लिए अलग है ऑनलाइन लर्निंग का भी इनका अलग से कोर्स चल रहा है तो बहुत सारे मतलब इनके कॉलेज हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे आप लोग यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं रिकोगनाइजेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हो ठीक है रैंकिंग भी दे रखा है कि एन की जो आपकी रैंकिंग थी वो फोटी रैंक थी ठीक है और डेंटल uh, कॉलेज की जो थी वो आपकी सेकेंड रैंक थी और मेडिकल कॉलेज में अगर मेडिकल कैटेगरी में देखा जाए तो नाइनटीन्थ रैंक थी ठीक है ये टू तो थाउजेंड वन की रैंकिंग है और भी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से जो है वो रिकोगनाइज है ओके सो so, हम लोग अपना एम पे चलते हैं वापस से सो so, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बी पी टी एम पी टी और पी एच डी ठीक है तीनों के तीनों कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं सो so, बी में आपका हंड्रेड सीट्स होता है और एम में आपका थर्टी सेवन सीट्स है, एंड आपका पी में जो है वो जैसी भी वैकेंसी अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट दे रखी है यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितनी सीट्स हैं आप लोग कॉल करके या कॉन्टैक्ट करके उन लोगों से पूछ सकते हो अगर आपको पी एच यहाँ से करनी है तो ओके okay? सो so, हम लोग देख रहे थे कि पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी सीट्स है अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं फीस की ठीक है एडमिशन फॉर्म की फ़ीस क्या है सो यस एडमिशन फॉर्म की जो आपकी फ़ीस है वो थाउजेंड रुपीज़ है ठीक है टेस्ट फीस और टोटल फीस जो आपकी थर्टीन हंड्रेड घटेगी ठीक है और लास्ट डेट है आपकी फ़िफ्टीन जुलाई ठीक है कितनी है लास्ट डेट फिफ्टीन जुलाई आपकी लास्ट डेट है 15 जुलाई विदाउट लेट फीस है और अगर विद लेट फीस आपको सबमिट करना है तो ट्वेंटी सेकेंड जुलाई है ठीक है तो यहाँ पर एंट्रेंस का जो है टाइम और डेट दे रखा है एंट्रेंस टेस्ट का वो है आपका संडे ट्वेंटी फोर जुलाई ठीक है इलेवन ए एम से ट्वेल्व थर्टी पी एम मैं आपको बीपीटी के लिए लास्ट डेट बताना भूल गई थी सो so येस yes, आपकी जो बीपीटी की भी लास्ट डेट होने वाली है वो फिफ्टीन जुलाई ही होने वाली है ओके okay? और फीस थोड़ी कम होगी ठीक है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग फीस आपकी थ्री हंड्रेड है और बाकी टेस्ट की फ़ीस आपकी थाउजेंड है तो टोटल हो गया आपका ये थर्टीन ठीक है इस तरीके से थर्टीन किया इन लोगों ने सो so येस yes. यहाँ पे हम लोग सीट देख रहे थे फीस स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात कर ली है येस यहाँ पे आप लोग सीट देख सकते हो टोटल सीट जो आपकी थर्टी सेवन है मस्कुलर स्कैल्टन साइंस में सिक्स सीट्स हैं स्पोर्ट्स में आपकी थ्री सीट्स हैं और हैंड कंडीशन में भी थ्री सीट्स हैं मैनुअल थेरेपी में भी थ्री सीट्स हैं न्यूरो साइंस में आपकी सिक्स सीट्स हैं कार्डियो रेस्पायरेटरी साइंसेस में आपकी सिक्स सीट्स हैं और कम्युनिटी बेस्ड रिहाबिलटेशन में भी सिक्स सीट्स हैं और अगर पेडियाट्रिक से करना है आपको एम तो फोर सीट्स हैं इस तरीके से टोटल जो सीट डिवीजन था और टोटल सीट काउंट जो है हमारा थर्टी सेवन है ओके सो आई होप अब तक यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा 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 सो यस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो अगर कोई दिक्कत है कोई डाउट है कोई क्वेरी है सो so आप लोग मुझे नीचे, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बाकी आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हो एट द रेट फिज्यू एम मेरी आई डी है मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए पता नहीं क्या करना है डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मा यूट्यूब चैनल डोंट फगेट टू हिट द बेल आइकन बाय बाय थैंक यू जय हिंद